सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 146 वचन 3 से। भजन संहिता अध्याय 146 वचन 3 से आइए देखते हैं। तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जिसमें परमेश्वर का जो दास है, वह जो परमेश्वर का दास दाऊद है, वह कह रहा है परमेश्वर के विषय में, उद्धारकर्ता के विषय में वह बातें करते हुए कह रहा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना। कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, न किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना और ना ही किसी आदमी पर भरोसा रखना। कहता है तुम्हें से जो उत्तम है उनके ऊपर भरोसा मत रखना और ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि उसके भीतर उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार करने की शक्ति किसी के भीतर नहीं है, इसलिए कहता है कि इनके ऊपर भरोसा मत रखना। कहता है देखो उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। कहता है उसका भी प्राण निकलेगा, कोई मनुष्य, कोई प्रधान, कोई उत्तम क्यों ना हो, कहता है कि उसका प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे तुम्हारा प्राण निकलेगा और तुम मिट्टी में मिल जाओगे, वैसे ही उनका भी प्राण निकलेगा और वे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। कहता है उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। उस दिन उस मनुष्य की सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी जिस दिन उसका प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिलेगा। क्योंकि तुम में जो प्रधान है, कहता है उसकी भी जो कल्पनाएं है, उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। कब? कि जब उसके प्राण निकलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि उसकी सारी कल्पना नष्ट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहता है क्या ही धन्य वह है, कहता है वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति महान है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। अर्थात यह वचन बता रही है क्या ही धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह पुरुष जिसका सहायक यानी जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जिसका भरोसा उस स्वर्ग और पृथ्वी के गढ़ने वाले पिता के ऊपर जिसका भरोसा है, वह व्यक्ति धन्य और महान है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसका परमेश्वर
याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जिस व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, जिस मनुष्य का उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान बनना चाहते हो तो आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उस परमेश्वर के बातों के ऊपर भरोसा रखिए, उस परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखिए, उस परमेश्वर की आज्ञा पे भरोसा रखिए और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसे के योग्य सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई भरोसे के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी और के ऊपर, संसार में कोई भी हो, किसी के ऊपर आप भरोसा मत रखिए, सिर्फ उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए जो हर एक को संभालता है, हर एक को सुरक्षित रखता है और हर एक को बचाता है। तो अवश्य है कि यदि आप उसके ऊपर भरोसा रखोगे तो अवश्य है कि वो आपको सुरक्षित रखेगा, बचाएगा और स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद त्रिमेमा करता है सुराजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श कर प्रभु, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, ये जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा जितने अपराध, जितने गुनाह हुए प्रभु, हर एक गुनाह, हर एक अपराधों को क्षमा कर। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनको पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगा रहे, ताकि हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा और आशीष दे कि भली भांति चंगाई पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता, जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज हर एक के जीवन में तेरे स्वर्ग की सामर्थ और स्वर्गीय आशीष उतरने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर। हे परमेश्वर प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए, जैसा आपने वचन में कहा, मैं तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, सतार रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करे, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगर के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए। प्रभु आपने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, जिससे सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफ है, दांत में तो दांत की तकलीफें निकल जाए, जिसके गले में परेशानी गले की परेशानी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, सीने में दर्द और जलन हो तो नष्ट हो जाए, पेट में दर्द हो पेट का जलन नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने में दर्द हो नष्ट होने पाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा एचआईवी टीबी कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्मे सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार निकल, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से लकवे की बीमारी नष्ट होने पाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाद खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट, पीलिया एसिनोफिलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परमपिता परमेश्वर ने संतान दे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, दुष्ट आत्मा तो निकल जाए, दुष्ट आत्मा
प्रभु यीशु के नाम में आदेश देता हूं, जिसका जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, महान परमेश्वर प्रार्थना कर दे पिता अनुग्रह से भर, ताकि जितने बीमार हुआ चंगी होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, जो कर्ज में दबा कर्जा से मुक्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु आप प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जितनी जरूरतें प्रभु तेरे नाम में पूरा होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकतों से इन्हें छुटकारा मिलने पाए, शैतान के सारे षड्यंत्र इनके सामने से खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते जिसके पास ज्ञान और बुद्धि की घटी है, प्रभु उसे ज्ञान और बुद्धि देकर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु आत्मिक अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु जिसके लिए प्रार्थना करते हे परमेश्वर तेरी आशीष उन्हें मिलने पाए, प्रभु ऐसी आशीष इन सबको आने दे हे परमेश्वर, ताकि जितने बीमार है आज प्रभु तेरे स्पर्श से वह चंगे होने पाए। रील निवास सखर अंदोलो निवास सखला रंदे रंगा बार रबा से खर अंदोलो रिवास सखर अंदे शेले रे। अभी प्रभु यीशु मसीह बहुतों को स्पर्श कर रहा है, बहुतों को स्पर्श कर रहा है, ताकि उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहे। अभी बहुतों के जीवन में अनोखा चमत्कार उतर रहा है। रिसीव कर लो हर एक आशीष को महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सुराजा हर एक के जीवन में महिमा की आशीष दे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते आमेन। प्रभु हर एक को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।